हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे हरे चने और पनीर की सब्ज़ी। 200 ग्राम हरे चने लिए हैं मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए। हरे चनों को छोलिया भी बोलते हैं। चनों को 2-3 बार साफ पानी से धो लेंगे। 250 ग्राम प्याज छील के मोटे टुकड़ों में काट के बारीक पीस लेंगे। 6-7 कलियां लहसुन की, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा मोटे टुकड़ों में काट के इन दोनों चीज़ों को भी प्याज के साथ बारीक पीस लेंगे। 250 ग्राम टमाटर साफ पानी से धो के मोटे टुकड़ों में काट के बारीक पीस लेंगे। सब्जी बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल हल्का धुआं निकलने तक गर्म कर लेंगे। गैस फ्लेम मीडियम है, तेल में से हल्का धुआं निकलने लगा है। गैस फ्लेम बंद करेंगे और तेल को हल्का ठंडा होने देंगे। तेल हल्का ठंडा हो गया है, इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायची। इलायची को मैंने बीच में से तोड़ लिया है। छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, जीरे को चटकने देंगे। जीरा चटक गया है, पिसे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को भून लेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। मैं प्याज को फुल फ्लेम पे भून रही हूँ, आप गैस फ्लेम ज़रूरत अनुसार रख सकते हैं। प्याज भून गए हैं, प्याज का कलर चेंज हो गया है। पिसे हुए टमाटर डालेंगे। जिस जार में टमाटर पीसे हैं इसी जार में थोड़ा सा पानी घुमा के डालेंगे। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच पिसा धनिया, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, देगी मिर्च ली है मैंने, ये तीखी कम होती है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मैंने 1 छोटी चम्मच और थोड़ा सा नमक और लिया है। 1 छोटी चम्मच छोले मसाला चला देंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। मैंने सब्जी कुकर में बनाई है, आप सब्जी कढ़ाई या पतीले में भी बना सकते हैं। मसाला भून गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। हरे चने डालेंगे, पानी डालेंगे, 2 गिलास पानी डाला है मैंने, चला देंगे अच्छे से। कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, कुकर में फुल फ्लेम पे प्रेशर बनने देंगे। कुकर में प्रेशर बन गया है, गैस फ्लेम मीडियम करेंगे। सब्जी को मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पकाएंगे। कुकर में 2 सीटी आ गई हैं, कुकर का प्रेशर निकाल देंगे। कुकर का प्रेशर निकाल दिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे 250 ग्राम पनीर। पनीर के मैंने छोटे टुकड़े कर लिए हैं। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे साफ पानी से धो के। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। चला देंगे सब्जी को। कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और सब्जी को लो फ्लेम पे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। लो फ्लेम पे कुकर के अंदर प्रेशर बनेगा, सीटी नहीं लगेगी। सब्जी को मैंने 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाया है, गैस फ्लेम बंद कर दी है। कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने देंगे। कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो गया था, कुकर का ढक्कन खोल दिया है मैंने। हरे चने और पनीर की सब्जी बन गई है। सब्जी को आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको हरे चने और पनीर की ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।